हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। साथियों, जो सेल्फ पब्लिशर होते हैं वो उनकी वेबसाइट पे आपको कई बार लिखा मिल जाता है, और जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि 100% रॉयल्टी आप अपनी बुक की अर्न करते हैं। तो वो इसको एक अपना बेनिफिट बताते हैं सेल्फ पब्लिशिंग में। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता है, 10% या 15% रॉयल्टी मिलती है, और वो एक कन्वेंशनल रूल है कि जो ट्रेडिशनल पब्लिशर होता है वो तो 10 या मैक्सिमम 15% रॉयल्टी देता है। लेकिन जो सेल्फ पब्लिशर होते हैं वो कई बार आपसे बोलते हैं कि हम आपको 100% रॉयल्टी देते हैं और मंथली या ईयरली बेस पे देते हैं। तो 100% रॉयल्टी का एक्चुअल में सीक्रेट क्या है, उसको हम इस वीडियो में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट आपके सामने देख लेते हैं। तो एक पब्लिकेशन है जो सेल्फ पब्लिशिंग में काफ़ी पॉपुलर है, ब्लू रोज। हमारे वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि अच्छा है, पैसा बहुत ज़्यादा लेता है। इसके जो पैकेज हैं आप उनको देखे होंगे, लेकिन क्या हकीकत क्या है रॉयल्टी की, हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, स्क्रीन पर भी देखेंगे, हम इसकी साइट पे आ गए हैं। इसको देखते हैं कि इनका जो रॉयल्टी कैलकुलेटर है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे इनका जस्ट ए मिनट, ये ब्लू रोज सामने दिख रहा है आपको, ये ब्लू रोज वाला है। इनका हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेट रॉयल्टी। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं और फिर सामने दिखेगा कि इनका जो रॉयल्टी कैलकुलेटर है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हमको रॉयल्टी मिलती है और कितनी मिलती है। ठीक है, तो फॉर्मेट ये दिख रहा है सामने, पेपर बैक मान लेते हैं हम, साइज मान लेते हैं 6:9 मान लेते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट पेज हो गया, और इसके अलावा हम अपनी रॉयल्टी काउंट कर लेते हैं नीचे जाके। देखिए, इसको मैंने फिर से रीलोड करके ओपन किया है, और अब यहाँ देखते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। नंबर ऑफ पेजेस हम मान लेते हैं कि हमारी 300 पेज की बुक है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट हम उसको छपवाना चाहते हैं पेपर बैग में, और 5:8 का हम उसका साइज रखना चाहते हैं। जो नोवेल वगैरह होते हैं, छोटी किताबें होती हैं, 5:8 की होती हैं, बाकी किताबें बड़ी होती हैं। ठीक है, पेपर टाइप नेचुरल जो होता है वो हम मान लेते हैं नेचुरल है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। तो ऑथर्स कॉपी मतलब ये 179, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रहे हैं, यानी अगर आप कॉपी लेते हैं तो आपको 179 की मिलेगी, और मिनिमम सेलिंग प्राइस 313 का होगा एटलीस्ट। ठीक है, मतलब 300 पेज की बुक अब 313 में कम से कम आपको बेचनी पड़ेगी। मान लेते हैं हम इसको इससे कम में सेल नहीं कर सकते, मान लेते हैं हम 320 रुपये में इसको हम, या ये बुक वाला 300, पब्लिशर 320 में बेचता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना रॉयल्टी आएगा। अब ये नीचे देखिए, अब भी ये देखिए, अगर आपकी बुक ब्लू रोज स्टोर से सेल होती है तो आपको 134 रुपये मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़ नोटेबल है यहाँ, जो टोटल उसका प्रिंट प्राइस का 41% होता है, रॉयल्टी अदर स्टोर यहाँ आपको 35 रुपये मिलेंगे। सिर्फ 320 रुपये की किताब होगी आपकी, और उसमें आपको 35 रुपये मिलेंगे, जो 10.9% लगभग 10-11% रॉयल्टी होता है फिक्स जो प्रिंट प्राइस होता है। तो अदर स्टोर से मतलब क्या है, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, जहाँ से अपने देश में ज़्यादातर किताबें सेल होती हैं, क्योंकि इनके साइट से तो कोई खरीदता नहीं है, सब लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से ही खरीदते हैं। तो वहाँ सिर्फ आपको 10% रॉयल्टी मिलेगी, मतलब 320 की बुक का आपको 35 रुपये मिलेगा एक किताब का, तो 10% हो गया। तो यही चीज़ सेम हो गई। हम एक और पब्लिकेशन देख लेते हैं, कोई एक और हमारी वीडियो में एक मैडम थी, उन्होंने कई बार कमेंट किया था कि BFC पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा है शायद, फिर बोल रही थी वो कि अगर मैं ये बोलूँगी तो सर आप बोलोगे कि मैं भी इसकी एजेंट हूँ पब्लिशर की। तो हम इसको देख लेते हैं कि इनकी साइट पे BFC पब्लिकेशन, ये लखनऊ का पब्लिकेशन है, ये कितना रॉयल्टी देते हैं। ठीक है, सामने खुल गए, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ भी हम देख लेते हैं, 300 पेज की बुक है हमारी, पेपर बैग में 5:8 रहने देते हैं साइज, ब्लैक एंड वाइट ये रहने देते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेट करके ये कितना दिखाता है सामने, ये राइट साइड में आप देखो, इन्होंने दिखा दिया प्रोडक्शन कॉस्ट 132 दिखा रहा है, रिकमेंडेड प्राइस बोल रहे हैं 331। ठीक है, इतने में आपको बेचनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं हम इसको 331 से नीचे बेच नहीं सकते, क्योंकि जो ये रिकमेंड करते हैं उससे नीचे तो ये बेचने ही नहीं देते हैं। मान लेते हैं 340 रुपये की हम इसको बेचते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, वैसे भी 300 पेज की किताब का 340 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अब ये देखिए
यहाँ पीएफसी पब्लिकेशन पे आपको रॉयल्टी मिलेगी ऑथर्स अर्निंग पर कॉपी, लिख रहा है ना राइट साइड में आप जहाँ एक कर्सर घूम रहा है देख रहे होंगे। तो बीएफसी पब्लिकेशन पे आपको अगर बुक सेल होगी तो 133 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर अदर स्टोर यानी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे से सेल होगी तो 31 रुपये मिलेंगे, यानी 340 रुपये की किताब में आपको 31 रुपये मिल रहे हैं, मतलब लगभग 9% के आसपास। ठीक है, इसी तरह आप और भी किसी पब्लिशर का देखोगे तो वही 10 to 20% बैठता है ओवरऑल। मैंने कुछ दो पब्लिकेशन आपके सामने दिखा दिए आपको, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये पब्लिशर अच्छे हैं या ख़राब है, मेरा इसमें इस चीज़ का कोई इंटेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं अपने तरीके से। मैं तो सिर्फ एक बताना चाह रहा हूँ कि जो सेल्फ पब्लिशर होते हैं वो भी रॉयल्टी 10 to 20% ही देते हैं, और वो भी कितने ईमानदारी से देते हैं उस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। कई बार तो कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया है, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के कमेंट जरूर पढ़ा करें, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो रॉयल्टी मिलती है वो 10 to 20% ही मिलती है, मैक्सिमम केसेस में 10% ही मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दुविधा में ना रहें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी ना रखें कि मेरी बुक से मुझे अगर बिक रही है 300 की तो 200 रुपये मिल जाएंगे या 150 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा इंटेंशन था सिर्फ आपको ये बताना कि जो पब्लिशर्स होते हैं वो 10 to 15% ही रॉयल्टी देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं।